जानी है, जितने भी लोग कह रहे थे कि मैं शिवेत के बारे में क्यों बात करती रहती हूँ, नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि शो की स्टोरी जो चल रही थी ना पहले, वो नायरा शिवेत चल रही थी, तो मुझसे क्वेश्चंस ही उससे रिलेटेड पूछते थे, इसीलिए मेरे को आंसर करना पड़ता था। और समबडी इज ब्लशिंग, नो आई एम ब्लशिंग बिकॉज आई हैव वन। बट अब देखो, अब जब ट्रैक में अरबाज आ गया है ना, तो अपने आप उसका टॉपिक हट चुका है। सो अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट मी हु टॉक्स अबाउट इट, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो दैट इज गोइंग ऑन। उस दिन जो आपने फाइट करी ना चैलेंज जीतने के लिए, थैंक यू हॉट नायरा, थैंक यू गाइज, यू आर सीरियसली सो बोल्ड अबाउट द थिंग्स, आई लव दैट अबाउट यू, थैंक यू गाइज। तुम लोगों को मैं आज के टास्क का बताती हूँ, आज के टास्क का तुमको पता नहीं कि मुझे एक्चुअली में कैसे पता चला वो अरबाज है। मतलब ऑनेस्टली मैं बहुत वो थी, मुझे लगा था मैं टास्क हार जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, जेन्युइनली मुझे नहीं पता था कि अरबाज की क्या फ्रेग्रेंस होगी, अरबाज का टच कैसा होगा, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये बहुत लंबा चौड़ा लड़का है, तो अगर मुझे उसके कंधे वंदे टच करने पड़े या बाइसेप टच करने पड़े तो ही मैं समझ पाऊंगी। तो उसने बहुत चालाकी की, ठीक है, राइट नाउ विद अरबाज, नो नो नो। सो फिर हुआ ये कि जैसे ही मसाज की बारी आई, तो शिवेत के तो हाथ से ही मैं समझ गई थी कि वो है। अब सेकंड टाइम में ना वो वॉक जो थी ना, वो वॉक बहुत हैवी थी, तो आई नो कि वहां पे ना, मतलब वॉक की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत हैवी बिल्ट इंसान चल के आया है, तो एक तो मुझे उससे ही समझ में आ गया। उसके बाद जब वो पता मसाज कर रहा था ना, तो वो मेरे पॉइंटर्स दबा रहा था यहाँ पे, बिल्कुल प्रॉपर ऐसा लग रहा था मेरे को कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि इट्स मी नायरा, इट्स मी। तो मैं समझ गई कि ये तो भाई अरबाज है। उसके बाद जब सेकेंड राउंड था, तो सेकेंड राउंड में दोनों को मुझे स्मेल करना था, और दोनों में से कोई स्मेल नहीं आ रही थी, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किसका कौन है। तो अरबाज ने वहां पे भी दिमाग लगाया, उसने क्या किया, जब वो मेरे यहाँ पे पास में था ना, और जब वो मेरे को हाथ ऐसे दे रहा था स्मेल करने के लिए, वो बहुत जोर जोर से सांसें ले रहा था, जोर जोर से। अगेन मुझे समझ आया कि ये मेरे को मैसेज दे रहा है कि ये मैं हूं नायरा, ये मैं हूं। तो लिटरली ये दो चीजें जो उसके जेस्चर्स थे ना, और मैं इतनी इंप्रेस हो गई, वो स्टार से अरबाज से इतनी इंप्रेस हो गई थी कि मेरे को लगा भाई ये गेम खेलने आया बंदा, मेरे को भी गेम खेलना है, वैसा वाला सीन हो गया था। नायरा यू आर नॉट इवन रीडिंग माई कमेंट, आई एम सो सॉरी, आई वॉज नरेटिंग अ स्टोरी, अगर मैं कमेंट पढ़ती ना तो मैं भूल जाती मैं क्या बता रही हूँ। ये आई हर्ड इट इन सम वीडियो गाइज, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट। जो भी देखो शो के बाहर के जो भी रूमर्स है, जो भी है, ये सब चीजें आई डोंट नो कितनी सच है कितनी नहीं, बट मैं आप सभी लोगों से एक चीज बोलना चाहती हूँ कि मेरी साइड से शो में आपको जो भी दिखेगा वो पूरा जेन्युइन है। मुझे नहीं पता थी शो के अंदर चीज़ें, मुझे बहुत सी चीज़ें शो के बाहर आके पता चली हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि एज माय व्यूअर्स, एज माय इंस्टाग्राम फैमिली, आप जब मेरा और अरबाज का केमिस्ट्री देखो या मेरा और अरबाज का टास्क देखो, तो प्लीज़ फुल जेन्युइन और फीलिंग्स के साथ देखना, क्योंकि मेरा जो था वो सब जेन्युइन था शो के अंदर। अगर मुझे कोई पसंद आया तो आया, कोई नहीं आया तो नहीं आया। मैंने कोई शो के लिए फेक नहीं किया, ना मुझे कोई चीज़ें पता थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी भले जैसी भी इक्वेशन हो, जैसा भी सब कुछ हो यहाँ पे, आप जब शो देखो तो आप प्लीज मेरे पर्सपेक्टिव से शो देखो। आप अरबाज का मस्त लग रहे हो, यू आर सो प्रिटी, थैंक यू। आई जस्ट टोल्ड यू रिया, हाय दीदी, यू परफॉर्म सो वेल टुडे, थैंक यू सो मच, व्हाई आर यू सो लुकिंग सो गुड टुडे। अरे बस ऐसे ही, यू एंड उन्नति आर नॉट फ्रेंड्स, या टू बी ऑनेस्ट मेरा उन्नति से कोई बीफ नहीं है, इनफैक्ट मेरा शो में किसी के साथ भी बीफ नहीं है। चाहे दुनिया जहाँ की जितनी भी वीडियोस डाल दे लोग मेरे लिए, कुछ भी डाल दे, मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जिसको दिक्कत है उससे पूछो कि क्यों दिक्कत है नायरा से। नायरा एंड सचिन बेस्ट आइडल मैच। करमन भसिन, सब कुछ पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा, बट मैं चीज़ें बोलूंगी सिर्फ शो के बाद। मैं चाहती हूँ अभी आप जब शो में मेरा और अरबाज का बॉन्ड देखो, तो आप समझो कि ये बॉन्ड बना कैसे, ब्लश समझो भाई। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिग्विजय एंड योर बॉन्ड, व्हाई डोंट यू फॉलो दिग्विजय, ये बहुत बार मैं बता चुकी हूँ यार, वो चीजें जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है एज अ फ्रेंड दिग्विजय से, वो नहीं फुलफिल हो पाई, तो आई एम जस्ट कीपिंग अ डिस्टेंस, दैट्स इट। कोई बीफ नहीं है, कुछ नहीं है, आई स्टिल हैव लाइक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर हिम, बट आई एम गुड थोड़ा दूर से। कैन यू शो योर आउटफिट, शो करने वाला कुछ है नहीं यार। यू एंड अनिका आर ऑन गुड टर्म्स, यार मेरी साइड से सबसे ही अच्छा है, मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ। इवन आकृति ने भी भले जो भी वीडियो डाली हो, जैसी भी डाली हो, सब ठीक है, सब बढ़िया है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहे जो भी करे। कैन यू शो योर आउटफिट वेयरिंग राइट नाउ, नो। नायरा अरबाज विल बी एन आइडल मैच, ये पता चलेगा आने वाले एपिसोड में।
did you try to ask Unnati why did she say that in broadcast when there is no issue? I know the reason. I know. They're building up for the coming episode. So I know. क्यों लिखा है, कैसे लिखा है, वो सब मुझे पता है. पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब मैं क्यों उस चीज पर लड़ू या उस चीज पर डिस्कस करूँ. कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो लिखना है लिखो जाके. मैं अपना इंजॉय कर रही हूँ. आई एम लिटरली इंजॉइंग वट एवर इज हैपनिंग ऑन द शो. श्रू थैंक यू फॉर लाइक वंस. मुझे मतलब मैं इतनी ज्यादा ग्रेटफुल हूँ ना कि मुझे स्पिरिचुअला वाली अपॉर्चुनिटी मिली है कि मतलब मुझे एक मौका मिला है अपने आप को प्रूव करने का. तो ऑनेस्टली राइट नाउ मेरा फोकस सिर्फ मुझ पे है, मेरा फोकस किसी पे नहीं है, चाहे दुनिया जाके चीजें लिखे लोग. Where did you guys shoot? We shot in Udaipur. Today your performance is good today. I love it. I'm happy, Naira. Be strong, Naira. Thank you. Sneha, इन सब चीज़ों का आंसर मैं दे नहीं सकती हूँ. Stay strong, girl. You're shining. Thank you. हर वीदी आउटफिट मस्त था ना, वीदी वाला आउटफिट. अरबाज और मैं एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं सहनाज, तो वी कैन नॉट गो लाइव टुगेदर. नायरा प्लीज किसी कंटेस्टेंट का नाम लो ही मत, क्योंकि इन कमेंट्स की वजह से एंड में आप पर बिल फट जाता है. आई नो, मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, ये खुद ही पूछते हैं, फिर खुद ही उसका स्क्रीनशॉट लेके लोगों को भेजते हैं. बापरे. थैंक यू अक्षत. व्हाट अबाउट आकृति स्क्रीन टाइम? यार अब मैं क्या ही बोलूं, कुछ नहीं कर सकते उसका. आपके चाहने वाले आ गए थे. थैंक यू, थैंक यू. आज तो काफी सारी जनता दिख रही है यहाँ पे, क्या बात है. नायरा योर एटीट्यूड वॉज ऑसम इन दिस एपिसोड, थैंक यू सो मच. कशिश, हाय अरबाज. ये एडिट वाला अरबाज है, वो वाला अरबाज नहीं. वीडियो आउटफिट इज सो गुड, थैंक यू सो मच. यार मैंने बहुत मेहनत करी है इस बार शो में, लुक्स में. आई होप तुम लोग को सबको मेरे कपड़े पसंद आए. नो डॉक्टर प्लीज शट अप. तुम क्या मिले बहुत अच्छी फैन है आपकी. अरे अच्छा फैन लड़का है वो. मतलब तुम क्या मिले इज माई बेस्टी. दैट्स नॉट अ फैन पेज, दैट्स नॉट एन एडिट पेज, इट्स लाइक अ पर्सन हु नोज मी द वे नोबडी नोज. आप रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ शेयर नहीं हो. थैंक यू, लव फ्रॉम पंजाब. थैंक यू. क्यूट चैलेंज में क्यूटी और टास्क में स्ट्रॉन्गेस्ट. माई गर्ल स्लेज एवरी टाइम. थैंक यू. आई होप आई हैव मेड ऑल ऑफ यू गाइज प्राउड. आई मीन अभी तो बहुत बहुत कुछ देखना बाकी है. Naira, how is your bond with Adit? He is such a nice guy. Yeah, to be honest, मेरी show में ज़्यादा बात नहीं हो पाई उससे, तो I don't know how is he as a person, but मेरी जितनी conversation हुई है, he seemed nice to me. You always look good. Thank you. स्मृति, ये तो अरबाज से पूछो. मेरे को समझ नहीं आता ये सारे क्वेश्चन तुमको अरबाज से पूछने चाहिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरबाज से पूछो. Why you don't follow Arbaz? Ask Arbaz why doesn't he follow me? Then you'll get to know. Simple. Maybe he follows someone else. You don't know. Edit wala Arbaz lol. Edit wala bolna padta hai, warna log confuse ho jate hain. How's your bond with Harsh and Roshali? It's good, it's nice. I mean, hamari bahut aise live vibe pe baat hoti hai, messages pe kabhi kabhar ho jati hai. It's good, I mean, acha hai. थैंक यू सो मच बीर भद्र. थैंक यू. आई एम बींग पॉजिटिव. नायरा बस अपना फेवरेट स्प्लिट्स विलन बताओ एक. कोई भी नहीं है. वट एवर हैपन्ड बट अरबाज एंड यू लुक सो ब्यूटिफुल. थैंक यू कनव. आई डोंट नो आपको अरबाज कैसे लगते हैं. यार मैं तुमको बताती हूँ, इस एपिसोड से पहले तुम लोग ना एपिसोड के बारे में बात नहीं करते हो, मतलब अलग अलग बातें करते हो, एपिसोड के बारे में बात करो. तो मैं बेसिकली जब हम डोम में थे, लास्ट डोम में, तब अरबाज मेरे बगल में बैठा हुआ था. तो उसकी मुझे कुछ कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी कि मुझे ठंड लग रही थी, तो वो बार बार मुझे शॉल ऑफर कर रहा था. मैं उसको बोल रही थी नहीं नहीं चलेगा, और शॉल से ठंड रुक भी नहीं रही थी, बट वो बेचारा बहुत ऐसे जेस्चर्स कर रहा था. तो मैंने कहा यार इट्स वेरी स्वीट. तो वहां से मेरे को थोड़ा नोटिस होना स्टार्ट हुआ. फिर उसी रात को अरबाज और मैंने बात की थी एक दूसरे से, लेकिन मैंने उसको यही बोला था कि मैं आगे तेरे साथ तभी बढ़ पाऊंगी जब मुझे लक्ष्य से गो अहेड आएगा, बिकॉज लक्ष्य एंड आई वर लाइक फ्रेंड्स इन द शो, एंड वी डिसाइडेड कि हम लोग आपस में यू नो परफॉर्म करेंगे जो भी जब तक हो सकता है. तो मेरे लिए लक्ष्य का अप्रूवल ज्यादा इंपॉर्टेंट था, कि अगर लक्ष्य मुझे बोलेगा हाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देन ओनली आई कैन गो अहेड विथ यू. तो अरबाज ने बोला ठीक है, तो लक्ष्य से बात कर और फिर मुझे सुबह बता. तो मैंने लक्ष्य से बात की, लक्ष्य ने बोला मुझे प्रॉब्लम नहीं है, तुझे अगर उसके साथ परफॉर्म करना है तो कर. और इतने में जैसे ही सनी मैम ने और तनुज सर ने बोला कि अपने अपने पार्टनर के साथ बैठो, अरबाज यहाँ आके बैठा. मैंने बोला ओह ये हो गया. तो ये कुछ कहानी थी ऐसी. एपिसोड इज सो गुड एंड फनी. आज का एपिसोड बहुत मजेदार था ना. हम वेट कर रहे हैं स्प्लिट्स विलन को लाइव आने का. आई नो मेरा मन नहीं था जाने का, बट मैं आज आ गई क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी एपिसोड देख के.
Why did you decide to come in splits? More exposure, more opportunities. Why are you looking so sexy? Doctor, I always look sexy to you. Come on. Come live. Doctor Raj all live mere saath. हमारी मेरे और अरबाज के बारे में अगर सबसे ज्यादा कोई जानता है ना तो वो है ये सिर्फ डॉक्टर. इनके अलावा किसी को नहीं पता है एक्चुअल रियालिटी. Naira, do you remember when I asked you will you do Splitsvilla and you said no? So when you have asked me, I was going through mental trauma a lot. मेरे साथ बहुत चीज़ें हो रखी थी. I was in a relationship and then I broke up and I was not in a very good space at that time कि मैं Splitsvilla जा पाऊँ. और I think जब आपने मुझसे पूछा होगा तब मैं शायद किसी relationship में थी या मेरा breakup हो चुका था. तो जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, आई वॉज सिंगल एंड आई वॉज लाइक वाओ, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो कर लेते हैं. डॉक्टर आई लव योर बॉन्ड सचिन एंड दिग्विजय. थैंक यू. हमारा ट्रायो भी काफी उतार चढ़ाव से गुजरेगा शो के अंदर, आपको पता चलेगा. Oh-ho, doctor is here. He is my actual closest friend from Splitsvilla, guys. So, log poochte rehte ho hamesha, he is the one. Doctor. Kya batana chahenge aap mere aur Arbaaz ki kahani ke bare mein? Kuch bhi nahi, no controversy, please. Arbaaz was right, you're so strong. I am. Mentally nahi hoti hu, itna emotionally nahi hoti hu, but टास्क है, बस टास्क में कर लेती हूँ. आज का एपिसोड मैंने देखा तो नहीं है, बट जितना मैंने देखा है उतना तो किसी ने नहीं देखा होगा. क्यों नहीं देखा आपने? लेकिन लाइव तो देखा होगा ना हमारा एपिसोड जब हम लोग शूट कर रहे थे कि अरबाज चल के आता है फिर लक्ष्य आता है तो मैं बोलती हूँ कि इसके चलने से अरबाज नहीं हो जाते, वो सब तो देखा होगा आपने सामने. डॉक्टर अरिका इज हियर, शी इज सेइंग डॉक्टर डॉक्टर. अरिका को भी ऐड कर सकते हैं. अरिका, let me send you request. Wait, love Rosa. मुझे यहाँ पे ऑप्शन में दिखा रहा है एरिका, can you request for it? Baby, Erika, send the request. इतने questions आ रहे हैं लोगों के, why Arbaaz and you don't follow each other, why you are not live together, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर इसका आंसर? नहीं, I don't have any. आंसर एक्चुअली डॉक्टर साहब, दिग्विजय के बारे में कुछ शब्द. दिग्विजय इज अ नाइस पर्सन आई वुड से. अब मत इसके रील्स बना के काट के डालना. टास्क 2x2 क्वीन, यस थैंक यू. अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है यहाँ से. आज का एपिसोड बहुत अच्छा गया है वैसे. अरे बहुत प्यारा एपिसोड था. आज के एपिसोड से लग रहा है कि स्प्लिट्सविला स्टार्ट हुआ है. ओके डॉक्टर. यस सौम्या, थैंक यू सो मच. डॉक्टर फीवर हो गया है नायरा को. नायरा कभी बीमार नहीं पड़ी. द ओनली थिंग आई कैन से दैट नायरा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. तो नायरा अगर उसका पैर भी टूटा हुआ है तो शी इज द वन शील परफॉर्म. वो एक्सक्यूजेस कम देती थी मुझे. मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ डॉक्टर. आई एम लाइक स्टिल, मतलब मैं इतनी लेजी हूँ ना, मैं अभी तक अपना फिजियो नहीं कराया है. मैं हील्स में लिटरली घूम रही हूँ. मेरा पैर अभी तक सही नहीं हुआ है. क्या हो गया पैर में? अभी तक फिजियोथेरेपी कराई थी बाद में? नहीं कराई ना, नहीं कराई. वो आपको मैंने बताया ना, मेरे को डॉक्टर ने सेशन बोला, फिर मेरे इवेंट्स हो गए, शूट हो गए, इतना कुछ हुआ कि मैंने फिर छोड़ दिया. और मैं हील्स में इवेंट्स किए ना तो वो और बढ़ गया. मतलब मुझे प्रॉपर 10 दिन का रेस्ट देना ही है तभी जाके वो एकदम ठीक होगा. और रेस्ट तो तू दे नहीं रही है. वर्क कांट हेल्प इट. थैंक यू सहनाज, थैंक यू गाइज. जो भी क्वेश्चन है ना तुम्हारे पास, तुम ना बस डॉक्टर से पूछो. मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, डॉक्टर नोज एवरीथिंग. डॉक्टर डजंट नो एनीथिंग. नायरा और अरबाज के बारे में अगर सबसे ज्यादा किसी को पता है तो वो है डॉक्टर. व्हाट्स अप आकृति? व्हाट्स अप आकृति? हाय डॉक. हाय. टू डॉक्टर्स इन माय लाइफ. एक्चुअली डॉक्टर अरिका और डॉक्टर अभिजीत हमेशा लाइफ पे मिलते हैं. अरे किसी ने लिखा है डॉक्टर आई फेल इल आफ्टर सीइंग नायरा की हॉटनेस. बाप रे, अरे बाप रे बाप. मिस
मिस्टर कॉफी मसल टियर थिंग तो नहीं, लीगामेंट इंजर्ड इंजरी है, तो इट इज सीरियस आई नो। इसकी वजह से मेरे को बहुत कुछ झेलना भी पड़ा है। एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी लिगामेंट इंजरी होती है, देख बोनी फ्रैक्चर तो नहीं था तुझे, बट लिगामेंट इंजरी में भी ना सपोर्ट रखना होता है कि 10 डेज रेस्ट करते हैं, क्या कहते हैं, एलिवेटेड रखना होता है लोअर लिम को। आई करेक्ट, होप डॉक्टर एरिका एग्रीज। यस आई अग्री 100%। बट फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी उससे ज्यादा सही है अभी, वो है ना ई पैड कराना चाहिए ना। मैं इसको ये कह रहा था कि कुछ सपोर्ट के लिए जैसे पैर में ना बांध लेना चाहिए, क्योंकि बैंडेज हो, बिलो नी जो स्लैब हाँ आता है ना, क्रेप बिलो बैंडेज नी भी कर सकते हो। स्लैब, क्रैप मैं बैंडेज, ज्यादा ये इसने सोच रही हूँ किया सेशन भी ले ही काफी लो, देर। क्योंकि वो 10 दिन का सेशन बोल रहे हो। अभी ऐसा हो गया ना कि वो जगह पे ना सिर्फ टच करने पे भी दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है इट्स लाइक इट्स हार्ड लाइक टेंडरनेस स्टोन। है, टेंडरनेस, करेक्ट, टेंडरनेस टेंडर। या यार तेरी लैंग्वेज है। देखो, मेरे को पता नहीं है टेंडरनेस क्या, तो मुझे टेंडर कोकोनट आइसक्रीम पता है बस। आइस ये इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन में फंस गई है नायरा। हाँ, टू हमको नाइन फॉर टेंडरनेस दिस रूबर नायरा डॉलर बिग बॉस पहले। और खतरों के खिलाड़ी बिल्कुल करेगी यार, अभी बिल्कुल चांस मिलेगा, आज मैं भाई मैं जवाब दे देता खतरों हूँ के खिलाड़ी सबके। नहीं कर सकती हूँ। मैं पता है गोवा में स्कूबा डाइविंग ट्राई करने की, मैंने सोचा आगे जाके कभी खतरों के खिलाड़ी करना पड़े तो ट्राई कर लेती हूँ। मेरी जो फटी, बाप रे, मतलब पानी के अंदर मुझे ऐसा लगा था कोई शार्क वार्क आके खा ले, मुझे इतना डर लगा है। आई रियलाइज आई एम नॉट गोइंग टू खतरों के खिलाड़ी। इन डॉक्टर्स हैंड देयर आर अ लॉट ऑफ लाइफ्स। हाँ मेरे हाथ में तो थी या भाई। हम स्प्लिट विलन की लाइफ तो भाई इन्हीं डॉक्टर के हाथ में थी। ऑनेस्टली मैं पूरे पूरे शो में ना, मेरी सुबह से जो मेडिसिन स्टार्ट होती थी, सुबह सुबह आते थे डॉक्टर, इनका असिस्टेंट आता था जो गार्गल कराता था मेरे को डेली। मेरी आवाज ओ उनको आर पता नहीं एस बीटा कितनी खतरनाक डी आवाज हो रखी है मेरी शो में। सुबह गार्गल कराता था, उसके बाद मेरे पैर की इंजरी थी, उसकी सूजन की दवाई, उसका पेन किलर, मेरी आंखों में दर्द हो रहा था, आई ड्रॉप्स। भाई बाप रे, अगर क्या डॉक्टर दिया ना था होते तो आपने आज क्या इसको, जीरो होता। डॉल क्या दिया था, जीरो डॉल दिया था किसके लिए? आई ड्रॉप्स स्वेलिंग में तो वगैरह के लिए? सिप्लॉक्स दिया नहीं, था, स्वेलिंग वगैरह, पैर की स्वेलिंग के लिए जीरो डॉल दिया था। जीरो डॉल पी दिया था, सिराचोपेप्टाइडिस दिया था कोई मैंने लिख उसको रहा है स्टार्टिंग बेस्ट में बेस्ट, 3 डेज ऐसा लग के रहा लिए। है कि नायरा की लाइफ से हॉस्पिटल में आ गई हूँ। सॉरी गाइस। अरे नहीं, गाइस यू कंटिन्यू आस्किंग योर क्वेश्चंस, नो नायरा जवाब देगी। सीइंग योर लाइव यार आफ्टर डेज। तुम लोगों को मैं इसलिए मिलवा रही हूँ बिकॉज ये डॉक्टर का रोल बहुत ज्यादा है हमारे स्प्लिट्सविला में, सो यू गाइस नीड मत टू मत नो हिम। स्टेटमेंट्स दो ऐसे। मत डॉक्टर आप अरिका का स्टेटमेंट। रोल ज्यादा है नहीं डॉक्टर। नहीं 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 लिटरली यू सेव सो मेनी लाइव्स। मतलब कॉफ सिरप हुआ, बीटाडीन हुआ, क्या क्या नहीं, मतलब हर एक चीज का सप्लाई, वो भी इतने सारे लोगों को। अरबाज इज इन द लाइफ, अरबाज पटेल इज वॉचिंग द लाइफ, ही इज सेइंग डॉक्टर डॉक्टर। तो मेरा मेरा मेरे मेरे कहने पे अरबाज को नायरा ऐड अटक, कर लो यार अरबाज को। अरबाज को अटक करो हम लोग नायरा। दोनों फॉलो नहीं करते एक दूसरे को, तो वी कैन नॉट ऐड ईच अदर। अच्छा ऐसा है, यू कैन नॉट ऐड समबडी यू आर नॉट फॉलोइंग? अच्छा ऐसा या है क्या? दैट्स हाउ अरबाज आई तो एम शिफ्टिंग किसी, बिटवीन अरबाज फॉलोअर्स। ने किसी लड़की को फॉलो किया नहीं करता है अरबाज, किसी लड़की को फॉलो नहीं कर सकता है। अरबाज इज लाइफ, अरबाज लाइफ चला गया है, अलग से गया है क्या लाइफ? अरबाज वो यहाँ से इज हियर, इंस्पायर होके चला गया इज ही होगा। वाचिंग द लाइफ? आई मीन आई डोंट नो। आई डोंट नो, आई डोंट फॉलो सो आई डोंट नो। इससे पहले नायरा रिक्वेस्ट भेजती, ही वाज लाइक कि चलो मैं जाता हूँ जल्दी से लाइव ऑन कर लेता हूँ। ये कह रहा है मैं फ्री हूं, अगर डॉक्टर का रोल हो तो मुझे बुला लो, जल्दी से डीएम कर दो। भाई कोई डॉक्टर का रोल नहीं है, ओनली डॉक्टर अभिजीत इज डूइंग द रियलिटी शोज। भाई भगवान के मैं लिए मेरी बता रही जॉब मत हूँ छीनो। कि डॉक्टर को ना पता है, एक्चुअली मैं एज कंटेस्टेंट जाना चाहिए था बिकॉज ही इज लाइक अनदर लेवल टाइप ऑफ डॉक्टर। हाँ, फुल कंटेंट क्रिएटर है ये, इनको कंटेस्टेंट जाना चाहिए। आई अग्री ये बहुत डॉक्टर एरिका, एंटरटेनिंग डॉक्टर है भाई। ये तो अभी मैं कल ही मैं वेब सीरीज का ऑडिशन देने देने जा रहा हूँ। नहीं, मैं अरबाज इतना सही लाइव में नहीं तो आता लाइव हूँ। नहीं आता हूँ। मेरे अरे अरिका एक्चुअली ना तुम और फन मैं क्यों पढ़ रहे, चीजें लेट ये वाली लेट डॉक्टर नायरा को रीड पता ना है, कमेंट्स। जो मेरी मेंटली ट्रॉमेटिक चीजें वो दूसरे डॉक्टर को पता है, वो तो इन लोगों को पता ही नहीं। देयर वाज अनदर डॉक्टर आल्सो ऑन सेट जो पैनिक अटैक और हमारे सब झेल रहे थे फॉर सम रीजन। अरबाज प्लीज आ जाओ लाइव में, ऐसे कमेंट आया मैं वो लाइव नहीं कंटेस्टिंग के आता है रूप में आ ज्यादा। जाऊंगा, आप बुला के तो देखो। अरे इतना इजी नहीं होता ना। अरे शोब्स, वेट, शोब्स इज थैंक योर यू वीराभद्र, थैंक यू। नायरा द चैंपियन, थैंक यू, वर्सा थैंक यू। शोब्स को लेकर तो इंस्टा का बड़ा दिक्कत है, 4 बार एक्सेप्ट करो तब जाके आता है इंसान। हाउ व्हाट्सअप, यू कलर्ड योर हेयर, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग?
ओह माय गॉड सर, यहाँ से फूको को सामने वाले को बेहोश कर दो क्या? अरे मेरे स्टूडेंट्स है, मत मारना क्या? आज आपने देखा कि आप नए वाले प्रोमो में आपकी पोएट्री यूज हुई है डॉक्टर सर? हाँ, यस, जो अनिकेत ने भी यूज कर ली टिकीला पे, और सेम शायरी रोशाली यूज कर रही है हर्ष पे. गाइस वो शायरी डॉक्टर की है. हाँ, जो टिकीला को अनिकेत क्या है वो शायरी पता नहीं, जो प्रोमो नहीं, में नहीं, वो शायरी डॉक्टर अरिका ने मुझे बताई थी. मैंने नहीं बताई थी शायरी वायरी. क्या थी शायरी, मैं भूली गई. क्या पता नहीं, कुछ नहीं है, बट तुमसे वो क्या है, हाँ दुश्मनी है या प्यार है, लेकिन है, ये याद है मुझे, मैंने बोली. एग्जैक्टली, बट जो तुमसे वो किसी से नहीं है. और मैं पता प्रोमो में देख रही हूँ कि ना हर्ष को सेम रोशाली बोल रही है. मैंने कहा शिट, ये तो अभी दूसरे एपिसोड में टिकीला को बोली उसने. भाई प्लीज मेरे कमेंट्स मत पढ़ना, ये सारे मेरे. मैं तेरे जीते जी तू मेरे. सॉरी ना, मैं अनसी तन देखा, देख नहीं पाई, बट आई हर्ट लाइक सो मेनी थिंग्स दैट. कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है? अरिका बताओ, नायरा बताओ, कोई कौन, किसकी बात हो रही है? शोभिका किसी के साथ ट्रैवल कर रही है. मैं बोल रही हूं दैट तो आई नो, दैट तो आई नो, कम ऑन, आई नो इट्स दिस टाइम आई एम राइट. ऑल द टाइम मैंने मेक श्योर करा कि टैटू वाला हाथ ना दिखे, ताकि पता ना चले तुम्हें की बात. Guys, I love you so much, but I'm actually in the car and I'll go. Yeah, we know, we know. Okay. And I know. I know whose hand is this. Bye. Yuvraj is here. Yuvraj is here. Yuvraj is here. Yuvraj is there. Yes, he is. Goodbye. Are you Erica? I want to ask you this thing. I could not understand what happened with your eviction. I read certain stories and comments with that you got voted out of some conspiracy. I could not see what happened. So what happened was, I was told recently by some people, and I actually saw that on Ansi. Hua kya tha ki he was friends with Jashwant. Jashwant ke saath mera kuch bhi nahi tha beef. Even Akriti ke saath bhi koi beef nahi tha. In fact, they were like okay with me. So out of nowhere, जब हम लोग मतलब starting से देखते आ रहे day one से, जशवंत ने जैसे मेरा नाम लिखा, everybody was like what? मतलब बिल्कुल भी नहीं expect किया था किसी ने. It was very shocking. So जब उसने उसका वो edit हो गया था, वो कट गया था, वो वाला line. One moment, एक second नारिका, मेरा एक student है. वो रोज मुझे दिन में 10 बार बोलता है, नायरा मैम आई लव यू, नायरा मैम आई लव यू. आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसका नाम ले लेता हूँ, जीशन नाम है उसका, एंड ही इज लाइक टोटली सुबह से शाम बस. क्या नाम है? जीशन. 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 हाय जीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी. मेरे को प्यार करने वाले लोग बहुत कम है, तो मैं उन्हें बहुत चेरिश करती हूँ. वन ऑफ दोस, आई लव इट. सब लिखेंगे, सब लिखेंगे. यस, सबको लिखना भी चाहिए. नायरा मैम मेरा डेडलिफ्ट मारने नहीं, नायरा आजकल कुछ नहीं कर रही है, प्लीज. मेरा पैर टूटा गाइस, तो मैं डेडलिफ्ट और स्क्वाट्स तो नहीं मार रही हूँ, बट क्या कर सकते हैं अब. लेट हर रिपेयर हर लेग, यू नो. आई बैडली वांट टू टाइम लगेगा. मैंने इसको इतना बोला डॉक्टर अरिका कि रेस्ट करो रेस्ट करो, बट ये पूरा सुबह शाम कभी गोवा कभी यहाँ कभी वहाँ. अरे बाप रे, जब से मेरा पैर टूटा उसके बाद मेरे कम से कम आई थिंक 4-5 इवेंट हो गए, और सब में मुझे हील्स पहननी पड़ गई. मैं क्या ही करूँ यार, आई हेट हील्स. सीरियसली हील्स की वजह से ना स्वेलिंग ज्यादा हो गई है इसको, और ज्यादा ना इसका जो डॉर्सम है फुट का, इट्स सो स्वेल्ड अप. मतलब अभी तो फिर भी ठीक है डॉक्टर, उस टाइम पे कितना बड़ा सूट जाता था यार. कोई से बोल रहा है मैं अरिका के लिए लॉयल हूँ, ये मेरा स्टूडेंट है. होना था, अरे होना था, नहीं कितने लॉयल है ये, चार चार बंदियां लेके घूम रहे हैं यहाँ पे, और कहते हैं डॉक्टर अरिका के लिए लॉयल हूँ मैं. कोई लॉयल नहीं. योर दिस थिंग अरिका, क्या था आगे का सीन, मेरे को समझ नहीं आया. सो
सो बेसिकली बाद में ये मालूम चला कि एक्चुअली इसने क्यों किया था, बिकॉज कशिश आस्क्ड एडी टू डू दिस एंड एडी आस्क्ड जशवंत टू डू दिस. सो इट वाज लाइक अ होल बैक बिचिंग प्लानिंग एंड एवरीथिंग दे डिड. एंड आई वॉज लाइक कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. लाइक मैंने तो ऑब्वियसली दोनों को बोल दिया था, क्लियरली बोला था दैट आई एम ओके विद यू गाइज, आई हैव नो हेट, इट्स फाइन, वॉट एवर यू डिड, यू नो आई वॉज नॉट हैप्पी विद यू बिकॉज यू बिट्रेड मी, सो दैट्स फाइन, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स फाइन, यू नो डू वॉट एवर यू वॉन्ट, जो करना है करो, बट फ्रॉम माई साइड इट्स ऑल कूल, ठीक है. सो इवन आफ्टर लाइक सॉर्टिंग दिस, बोलना कि हाँ शी इज स्टिल माई फ्रेंड और ये वो बोल, ये सब करने के बाद भी वाई वुड यू गो एंड आस्क समबडी एल्स हु हैड पावर, वो भी एक इंसान के पास, उसको जाके स्पेसिफिकली बोलना कि मेरे को इसको डंप करना है, मुझे भी बोला गया क्यों, था क्या जरूरत जब जब वो बात हो रही थी तो मुझे भी बोला गया था, आई सेड आई विल नॉट डंप हर, शी इज माय फ्रेंड, मेरे को बोला था या लाइक टू राइटर ने, आई सेड नो क्योंकि आई शी हर्ड दैट. स्पोक राइट उससे पहले एंड यू टोल्ड मी कि मुझे मत करना, तो मैंने बोला आई डू नॉट हैव एनीथिंग अगेंस्ट यू, यू आर अ गुड राइट फ्रेंड टू मी. सो बट हाँ ये बात हुई थी, बट ये कहाँ कौन से वाले में दिखाया है कि दे आर प्लानिंग ये टू हर्ट मी, अनसीन क्यों मैंने में पता कई नहीं, सारे लोगों ने बताया अनसीन में, मैं भी कल देख रही थी, सो मैंने उसने बोला है उसको सारे जाके देखे नहीं है, आई विल वॉच इतने तो सारे, जस्ट यार वॉच, मन ही नहीं करता है, बहुत कुछ है, मैं नहीं देखी इंटरेस्टिंग साथ. सा नहीं है. राइट, तो मैंने एक जो देखा, जो देखा मुझे क्लियर हो गया कि एक्चुअली में दे आर राइट, और ऑडियंस सच में ज्यादा स्मार्ट है, हम जो चीजें नहीं देख पाए वहां पे जो चीज हुई है वो उनको समझ आ रही है, वो उनको दिख रही है. तो वो लोगों ने मुझे बताया कि लाइक दिस वाज नॉट द रीजन, जशवंत डिडंट डू इट बाय हिमसेल्फ, उसका ऐसा कुछ भी था भी नहीं सच में. इवन टिल टुडे आई एम लाइक व्हाई, आई हैव नो आइडिया जब मैं व्हाई, बोला तो मुझे भी समझ में नहीं आया, बिकॉज आई वॉज लाइक, और क्यों तभी मैंने बोला मैं किसी लड़की को नहीं उड़ाऊंगी भाई, मैं लड़के को उड़ा लूंगी, क्योंकि एक तो मुझे एग्जाइल वालों को भी बचाना था, तो मेरे पे वो प्रेशर अलग था, बट आई वॉज टोल्ड, आई सेड नो, क्योंकि भाई या मेरी फ्रेंड है तो मैं क्यों उड़ाऊ. तो वो जाके उसने बोला कि मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, ऐसा वैसा, एंड बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरा BFF है, ऐसा कर इसका मतलब, ऑब्वियसली मेरे लिए स्पेसिफिकली बोला. मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, मेरे को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने जो किया ठीक है, फाड़ में जाता हूँ, व्हाई वुड यू गो बिहाइंड माई बैक बोलने के लिए, स्पेसिफिकली मुझे टारगेट करने के लिए, क्यों भाई, तुमको मुझसे क्या ही प्रॉब्लम है अब. सो दैट वॉज समथिंग लाइक अबसर्ड. सो मेरे को ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, और इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स रख के क्या ही फायदा, जब रियल लाइफ में मैं मानती ही नहीं हूँ तुमको अपना दोस्त अब. तो करेक्ट मैंने कहा यार मेरे को ना अनफॉलो फॉलो भी नहीं करना है, मेरे को डायरेक्ट ब्लॉक करना है. तो मैंने ना अनफॉलो किया ना कुछ किया, मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि बाद में लोग बोलते हैं उसने मुझे अनफॉलो किया बट फॉलोइंग लिस्ट से भी नहीं हटाया. मैंने कहा बहन ये तो नहीं कर रही, तो मैं सीधे ब्लॉक ही मार दूंगी, मैंने ब्लॉक ही कर दिया. मैंने कहा खत्म किस्सा. नहीं सीरियसली यार, ऐसे दोस्तों, ऐसे लोगों का क्या ही काम जो पीठ पीछे जाके सिर्फ स्पेसिफिकली तुमको टारगेट कर रहे हैं, और सामने बोलते हैं हाँ वी मेड अप, हमारा सब ठीक है, प्लीज. मैं तो पहले देखूंगी फिर समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट देखे तो मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रही ये कब क्या हुआ, क्योंकि अनसीन अनदेखा मैंने देखा नहीं है, बहुत बोरिंग अनसीन अनदेखा आता है यार, इवन मन ही ना नहीं जियो करता लाइफ पे देखने. भी मैंने नहीं बोला था, मतलब जियो लाइफ पे भी मैंने कुछ भी नहीं बोला था, जब हमारा रिकॉर्ड हो रहा था परसों, आज जो हुआ लाइव दिखाया मैंने कुछ नहीं बोला. डिड यू सी द लाइव नो जो आई हैवंट, हाँ, मैंने अभी इवन इन लाइव एपिसोड भी आधा ऑल्सो, देखा है. इवन इन लाइव ऑल्सो आई डिडंट से एनीथिंग स्पेसिफिकली कि तुमने ऐसा क्यों किया यार, पूछना या ये वो, मैंने नहीं किया था, बिकॉज उसके बाद मुझे ये चीज पता चली कि इतना ज्यादा पीछे लोगों ने ये चीज की है. सो आई वॉज इवन शॉक्ड. तो मैंने कहा यार एटलीस्ट एक स्टोरी पे तो बनता है, एटलीस्ट यू नो आई शुड एक्नोलेज दैट नाउ आई नो, जो लोगों ने मुझे बताया है नाउ आई एक्चुअली सी दैट. सो इट्स वेरी हर्टफुल दो, इट्स वेरी हर्टफुल. नायरा अरबाज का कनेक्शन बन गया, अभी कनेक्शन बना नहीं है, रुक जाओ, अभी से हमने टास्क परफॉर्म किया, अभी रुक जाओ तुम लोग, धीरे रुक धीरे जाओ, देखते हैं ठहरो बनता है जरा. कि नहीं. डॉक्टर अभिजीत सोने वाले हैं बस इनकी बातों से बोर अरे होके. नहीं, मैं और बोर तो कभी नहीं हो सकता. मत पढ़ो उनके कमेंट्स, आई हे एम टेलिंग भगवान यू दे आर कमेंट देखो यार, मत ऐसा कैन यू फिल माय कोडेड मुझे न्यूक्लियस पता एंड डोपामिन है डॉक्टर व्हाट. अभिजीत बस कमेंट से एंटरटेन हो रहे हैं. हाँ वो कमेंट पढ़ रहे सारे, मैंने देखा वो सब पढ़ पढ़ के हंस रहे थे. मुझे भी अरे हर्ट हुआ सुन के. हाँ गाइस बुरा लगा मुझे ये बुरा किया कमेंट आपने, तो करी मुझे के भी अपना सबके जो फैन आ बना लिया. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस, मतलब लिटरली. अरे ये हार्ट कहाँ से आ गया, ये ऐसे करने से आता है, इफ यू डू दिस आएगा सी यस सी यार नहीं आ सी. रहा, नो इट्स नॉट कमिंग, पॉज करना पड़ेगा. नहीं नहीं आता है ये ओह देखो, इसी आया, दिस इज सो क्यूट. आई नो, पहली बार जब आया था ना आपको शॉक में भी, क्या हो गया मैं ये, व्हाट इज तो दिस. ऐसे ऐसे बना रही हूँ, अब तब आ गया, फिर से आएगा क्या. ओ आया गाइस, दिस इज फॉर यू ऑल. ओके.
लाल फूल नीला फूल नायरा मैम ब्यूटीफुल। अरे 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 एक ज्यादा हाँ यार ही चाहने दीदी वाले नहीं आ गए हैं तेरे? हाँ भाई, मतलब मैं ऑनेस्टली ना, मेरे को इस बात की इतनी खुशी हूँ, कितने लोगों के मैसेजेस आए एंड दे लिटरली रोट दैट आई वाज वंस योर हेटर एंड नाउ आई एम योर बिग फैन। आई वाज लाइक वाओ, मतलब ये तो भाई इसी दिन का मैं इंतजार कर रही थी कि मुझे मौका मिले, मैं लोगों को बता सकूं कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं मुझे। बिल्कुल भी नायरा बिल्कुल बुरी नहीं है, अरिका और रहती तो अच्छा लगता है, दे डोंट मुझे भी डिजर्व लोग दिस फैन बॉडी। समझते हैं शो का। नहीं एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, जो सबसे भोला और सीधा बन के दिखा रहा होता है ना, वो एक्चुअली में नहीं होता है। जो थोड़ा आप जहाँ पे जेन्युइन चीजें देखते हैं, जो रिएक्शन जेन्युइन आता है ना, भले ही किसी को कुछ बुरा बोल देना है कुछ भी, वो ही रियल होता है, बिकॉज आप फिर उसको नाप तोल के नहीं दे रहे हैं। नायरा इज नॉट लाइक यू नो आर्टिफिशियली ऐसा कुछ बना के बोल रही है या ये सब कर रही है, वो चीज नहीं है उसमें। डे वन पे हम लोग जब मिले थे, इवन लाइक जब तुम लोग का एंट्री हुआ था, वी हैड दैट आई कॉन्टेक्ट, नो यू आर लाइक आई आई डोंट नो फॉर सम रीजन वी हैड दैट कनेक्शन, आई कॉन्टेक्ट हुआ। यार शी इज गुड, शी इज अ गुड ह्यूमन बींग। लाइक आप देख के, कुछ लोगों को आंखों में देख के बोल सकते हो कि हाँ अच्छे हैं, कुछ मुझे लोगों को आप नॉलेज कभी इन नहीं। द कोर्टरूम स्टार्टिंग डे ऑल्सो पे कि ना कोर्टरूम में मेरे से टाइम पे भी एप्रिन मांगने के लिए आए, एप्रिन और इंजेक्शन। क्या क्या इंजेक्शन है कोई? मैंने कहा इंजेक्शन हमें प्रोमो शूट के लिए चाहिए, कोई डॉक्टर मेरे आई लिए हुई है, बना देते। हाँ कोई डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर, डॉक्टर तो फाइन मैं हूँ साइड सी पे। एस विदाउट एनी रॉन्ग थिंग। या गाइस अंडरस्टैंड कि इतना जो शिविर शिविर चल रहा था ना, वो शो का सुधांशु, आई एम कॉन्सेप्ट गुड, ही हाउ आर यू वैसा था बेटा? अबाउट एक्सेस और पास्ट कनेक्शन। अभी तुम देखो जैसे अरबाज की एंट्री हुई, आपको चीजें बंद हो गई ना, बिल्कुल शो वाले ही नहीं पूछ रहे मुझसे उसके बारे में क्वेश्चन। मेरे को घंटा शौक नहीं था वही सारी चीजों के बारे में बात करने का, इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो। अरबाज भाई की शेरनी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे बाप रे। लड़के पेशेंट हो रहे हैं तुम्हें देख के अरेका। हाँ पेशेंट हो रहे, तो मेरे पास तो कोई नहीं आ रहा। मत बोलो ऐसे यहाँ। और आपके भाई स्टूडेंट्स लिख रहे हैं पर सारे कमेंट्स नीचे गंदे गंदे। अरे हे भगवान, नायरा यू लुक लाइक अ क्वीन बट मत, वेयर इज द किंग आई नहीं वो वेटेड। मेरे आई एम अ स्टूडेंट्स नहीं हो क्वीन विद सकते। और विदाउट किंग। मेरे स्टूडेंट्स एक्चुअली अच्छे वही कमेंट्स कर रहे हैं। फॉर कह एग्जांपल इन्होंने बोला है कि हम जिंदगी में स्प्लिट्सविला नहीं देखा क्या। बट नायरा गान के लिए देख रहे हैं। ही इज माय स्टूडेंट। तो अब ओह वो अब जब थैंक यू। अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो दे आर डॉक्टर अभिजीत इनोसेंट और Did क्यूट है। मेरे बारे में मत बोलो भैया, नायरा की लाइफ है, नायरा के लिए बोलो। you like Arbaaz in the show? So to be honest, ये वाले episode तक ऐसा कोई liking liking कुछ नहीं है। मैं सिर्फ ये judge कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा strong इंसान चाहिए जिसके साथ मैं शो में आगे बढ़ सकूं और मैं जीत सकूं। तो इस हटने पॉइंट का ऑफ टाइम बुलावा तक आ मुझे गया कोई है, फीलिंग्स कोई कनेक्शन क्या। कोई कह रहा है दोनों डॉक्टर्स लाइफ है, तो एक तो मेरे भी। वो नायरा को अलग चाहते हैं। चल अरे मैं अरे करता हूँ, आई लीव। डॉक्टर अरिका प्लीज एंजॉय, क्योंकि अब तो आई एम ऑल्सो लीविंग जस्ट, बट हाँ आई थिंक नायरा वुड अंडरस्टैंड दिस, लाइक थिंग्स हैपन इन रियलिटी शो। आई मीन ऑब्वियसली समटाइम्स यू फील लाइक कि हाँ कुछ है कुछ नहीं है, बट देन एट द एंड ऑफ द डे यू फील लाइक कि हाँ यू गॉट प्लेड बाय समवन। सो आई या थिंक यू लर्न एंड देन यू ग्रो एंड देन यू नो यू ऑनेस्टली इस बार मुझे उतना ज्यादा रिग्रेट नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे गार्ड्स थोड़े से अप थे। समवेयर इंट्यूशंस आर ऑलवेज टेलिंग मी दैट नायरा डू नॉट गेट इमोशनली इन्वॉल्व, बट येस एट द सेम टाइम आई एम अ ह्यूमन। इफ यू स्पेंड लाइक या 30-40 days विद समबडी एंड द पर्सन डज सो मच फॉर यू, दैट ऑफ कोर्स यू स्टार्ट फीलिंग सर्टेन थिंग्स, बट समवेयर आई एम ग्लैड दैट आई एम इन अ बेटर स्पेस। रोडीज के टाइम पे आई वेंट इनटू डिप्रेशन, आई बिकेम सो रिबेलियस कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है मुझे बदला लेना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम एट पीस, जो गलत करेगा वो भुगतेगा, मुझे किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं करने। आई एम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाइक आई एम करेक्ट। कूल विद एवरीथिंग। वेल आई थिंक द लेसन दैट आई टुक वाज लाइक कि आई शुडंट बी ट्रस्टिंग, वेदर इट्स अ गर्ल और अ गाय, जो भी मतलब कैसे भी बोलते हो कि ओ गॉड आई एम सो लॉयल, द ओनली थिंग आई लुक इज लॉयल्टी, बिकॉज द सेम पर्सन वुड एक्चुअली बिट्रे यू एट द एंड ऑफ द डे। सो आई थिंक द लेसन दैट आई टुक फ्रॉम दिस रियलिटी शो इज लाइक यू कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन, यू लिटरली कैन नॉट ट्रस्ट एनी दैट्स बट योर सेल्फ। ट्रू यार, रियलिटी शो की फ्रेंडशिप बहुत रेयरली चलती है टू बी ऑनेस्ट। तो इसीलिए मैं यही बोलती हूँ कि भले चाहे मैं अभी सबके साथ अच्छी हूँ, सबके साथ सब कुछ है, बट आई नो दैट व्हेन 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 इट कम्स टू बैड टाइम्स नन ऑफ देम कैन बी हियर फॉर मी। इट्स या इट्स
नॉट समथिंग रॉन्ग और बैड, ये सबका ही है, सब अलग अलग सिटीज में रहते, कोई नहीं रह सकता है. तो आई थिंक जिनसे आप बॉन्डिंग शो से पहले रखते थे, आप उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हो, जब वो नहीं करते तो फिर ऐसा लगता है कि यार जाने दो, शो है शो तक की दोस्ती तक को बस. करेक्ट करेक्ट. चलो Chalo, I'm just glad that I at least I know some people now. I had known nobody in the show. Yeah. Like when I was like there, you don't I had know no me? Idea who is Tony. You no, don't I'm, know me? Like, no, I'm saying when I was there, I had no idea. Bahar se main kisi ko nahi hai. Now I know. I actually love Dr. Arika so much. You oh love everyone. Kisko pyar nahi karte ho aap? Naira ko. लगा था ये सिर्फ मेरे मेरे लिए लाइन होती है कि आई लव ओनली नायरा, बट इट्स लाइक डॉक्टर लव्स एवरीवन. डॉक्टर तो बस प्यार मोहब्बत के लिए ही है. डॉक्टर अरिका हम लोग चलते हैं अभी. नायरा एंजॉय योर लाइफ, कंटिन्यू करने दो नायरा, कंटिन्यू योर सो कॉल्ड स्टोरी जो मुझे पता है पहले से. चलो गाइस बाय डॉक्टर अरिका, फिर किसी और की लाइफ पे मिलते हैं डॉक्टर अरिका. हाँ कहीं मिलेंगे सिटी में किसी और की लाइफ. चलो नायरा एंजॉय, बट आई एम ग्लैड आई शेयर्ड समथिंग विद समवन, यू नो. खाली अपने दिल में नहीं रखा मैंने, आई एम जस्ट ग्लैड. स्पीक व्हाट यू लाइक. चलो बाय सर, बाय बाय. चलो मैं जरा कमेंट्स पढ़ती हूँ अभी आराम से. सॉरी गाइस इतना कन्वर्सेशन हो रहा था तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पाई. सो समबडी आस्क्ड माय प्रोफेशन. सो बेसिकली आई एम एन एंटरप्रेन्योर, आई ओन अ नेल स्टूडियो एंड अ सैलून. सर रुको, सर चले गए. तुम लोग इतना नीचे कमेंट में लिख रहे थे बार बार, तुमको जाना पड़ा. बट ट्रस्ट मी, द डॉक्टर दैट यू सॉ हैज बीन देयर फॉर ऑल ऑफ अस इन द शो. अगर वो नहीं होते तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते, लिटरली बता रही हूँ. Love the way Erica was so respectful in the live at Jio Cinema today, handled everything with class. Oh, I have to watch. I haven't seen. अब हम comment नहीं करेंगे Erica को क्यों भेजा? अरे तुम ही लोग लिख लिख के भेज रहे थे भाई. Hi Naira, please say my name Sanvi. Hi Naira, you win this season with Arbaaz. Manifesting it. Let's see. Hi Chulbul, what's up? कहाँ पर? मतलब? Please यार बास पटेल के बारे में बताओ. तो क्या बताओ यार, हम लोग शो पे तब मिले जब उसकी इंजरी वगैरह सब हो गई थी, और इंजरी में जब तक वो था तब तक सुना था कि एक लड़का है 6 फुट 4 इंच का, 12 बैग लेके आया है और स्ट्रांग है, एक टास्क खुद मस्ती मस्ती में हार गया, ऐसे बहुत स्ट्रांग है, तो सब सुन के रखा हुआ था मैंने. बट मैं मिली तब जब वो इंजरी से लौट के आया था. क्या फिनाले तक दिग्विजय के साथ परफॉर्म किया है? तुमको लगता है मैं बता दूंगी. VTs are shooted after season or along with season. Some VTs जो होती है वो साइड बाय साइड चलती है, कुछ VTs शो के बाद होती है. तो मेरी VTs बहुत लेट हुई थी, तभी मैं तुमको अपनी VTs में मोटी दिखूंगी, क्योंकि शो के एंड तक मैंने बहुत पुट ऑन कर लिया था. तो अब मेरी VTs में आपको लुक भी चेंज दिखेगा, मैं बहुत फ्लफी सी दिख रही हूँ. तो मेरी VTs एकदम टाइम पे नहीं हुई थी. मेरी 10 VTs एक ही दिन में हुई थी, तो मुझे लिटरली कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हुआ था. एरिका को हटा दिया आपने, ठीक. अरे ऐसे मत लिखो यार. Everyone is afraid of दिग्विजय. Afraid तो नहीं बोलूंगी, but हाँ, everybody has a problem inside. Naira, what is your take on true love? Does it exist? Do people know how to give me love? Do people know that I want to be in love? How do you feel about Tequila and Aniket? यार ऑनेस्टली इनिशियल एपिसोड्स में तो मैं अनिकेत के बिल्कुल फेवर में नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज बिल्कुल सपोर्ट नहीं की है. और मेरे सामने ये बात हुई थी कि सचिन को टेकीला ने वर्ड दिया था कि हम लोग साथ में खेलेंगे, और बाद में उसने मना कर दिया, तो मुझे उस बात का बहुत गुस्सा था. तो मुझे अनिकेत से ज्यादा मुझे टेकीला पे गुस्सा था. नो स्पिन फ्रॉम, सो बेसिकली आई हैव टेकन इट फ्रॉम अ लोकल शॉप. I love Africa cutie. Okay, I love you my love. Thank you. Add Arbaaz. यार अरबाज को मैं नहीं ऐड कर सकती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं करते हैं. अरबाज एंड यू लुक ग्रेट टुगेदर. थैंक यू. दिग्विजय इज द हॉट टॉपिक ऑफ द सीजन. मे बी यस. योर POV ऑन जश एंड आकृति एलिमिनेशन. सो बेसिकली मुझे लगता है दिग्विजय ने जो किया बहुत फेयर किया था, क्योंकि पहली चीज आकृति ने कोई एहसान नहीं किया था दिग्विजय के ऊपर. आकृति और मेरी डील हुई थी कि मैं उसके दोस्तों को नहीं उड़ाऊंगी, वो किसी के एग्जाइल में से किसी को भी नहीं उड़ाएगी. तो दिग्विजय को बचा के उसने कोई फेवर नहीं किया, ये डील थी. रही बात सेकेंड चीज, उसने दिग्विजय और उन्नति को डेट पे जाने नहीं दिया, तो इन रिटर्न दिग्विजय ने भी नहीं जाने दिया, तो मुझे तो बिल्कुल सही लगा. उन्नति कैसे लगे? आई एम टीम इशिता.
Aren't you and Arbaaz together? You should ask Arbaaz. Do you feel Digvijay should win this season? Say your opinion. I'm only gonna talk about me. मैं और मेरा कनेक्शन जीतेंगे भाई शो. Why you don't follow Arbaaz? You need to ask Arbaaz. Digvijay is a real man. Yeah, he's a good guy. Love you, यार शेमी. थैंक यू. लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड हॉट इन टूडेज एपिसोड. थैंक यू. थैंक यू. फाइनली किसी ने एपिसोड के बारे में बात की गाइस. हाँ, जब भी लाइव जाओगे तो आई थिंक मेरे से सब यही क्वेश्चन पूछने वाले हैं. व्हाई डोंट यू फॉलो अरबाज गाइस? यू नीड टू आस्क हिम व्हाट एवर क्वेश्चंस यू हैव. आस्क हिम नॉट मी. स्पिट्सविला क्यूट कपल्स. हाय शेनी. हाय. यू आर टीम इशिता? यस. ने अरबाज को फॉलो क्यों नहीं किया? ये अरबाज से पूछो, उसने मुझे फॉलो क्यों नहीं किया. तुम लोग यार सेम क्वेश्चन कितनी बार पूछ रहे हो मुझे. हेलो इंस्टा यो. कोई बात नहीं. डोंट यू हैव गुड रिलेशन विद उन्नति गाइस? मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेरा किसी से बीफ नहीं है, मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है. मैं अपनी लाइफ पे किसी के भी अगेंस्ट कुछ भी बात नहीं करना चाहती हूँ. आप लोग मेरी लाइफ पे सिर्फ मेरे बारे में बात किया करो. मेरी परफॉर्मेंस, मेरे एपिसोड, मेरी फीलिंग्स, मेरा मूड. मैं किसी भी इंसान के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ. नायरा एनी प्लान्स फॉर एक्टिंग? आई ऑलरेडी डिड एक्टिंग बिफोर गेटिंग इन टू रोडीज एंड स्पिट्सविला. आई वॉज एन एक्टर. आई डिड अ टीवी सी एज लीड. आई डिड टीवी शोज. आई डिड अ मूवी एज वेल. आई डिड वेब शो एज वेल. बट मेरा नाम तब भावना था तो लोगों को पता नहीं चलेगा. इस शो स्क्रिप्टेड भी ऑनेस्ट? डू यू थिंक सो कि इतना ऐसा कोई स्क्रिप्ट फॉलो करेगा जहाँ पे आपको इतना ट्रॉमेटाइज फील हो? आप ऐसी स्क्रिप्ट क्यों फॉलो करोगे जिसमें आप किसी टास्क में हार रहे हो, किसी में जीत रहे हो? थैंक यू लवी नायरा. शेरनी को किसी शेर की जरूरत नहीं होती. शेरनी के आगे शेर भी बिल्ली है. आई एम अ क्वीन विद और विदाउट किंग. आई एम अ शेरनी विद और विदाउट शेर. एक स्पॉइलर दे दो. नहीं दे सकती. नायरा दिग्विजय से पैचअप करो. उसे एक थप्पड़ लगा देना मेरी तरफ से, बट कर लो पैचअप प्लीज. पायल, अभी जो आगे के आप एपिसोड देखोगे ना तो आप खुद ही थप्पड़ लगाओगे दिग्विजय को. नायरा फॉर गॉड से एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन इग्नोर करो, इसलिए ही तुम्हें आगे प्रॉब्लम होती है. अरे मैं कितना ही इग्नोर करूं भाई, एक ही एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. व्हाई वॉज योर नेम भावना बैक देन? भावना इज माई ओरिजिनल नेम, बट ड्यू टू एस्ट्रोलॉजिकल रीजन आई चेंज इट टू नायरा. आई लाइक यू द मोस्ट बट यू आर नॉट शाइनिंग एट दिस शो. आई एम शाइनिंग. व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? हाय खुशी. हेलो दिग्विजय, न्यू इमोशनल सपोर्ट. आई लव टू सी लक्षण टिकीला. आप भी ट्रॉमेटाइज्ड? नहीं, मैं अभी बहुत चिल हूँ. डिड यू एनी प्रोजेक्ट विद अरबाज? नो. कल मेरा स्कूल है. बाय एंड लव यू नायरा. थैंक यू. थैंक यू फॉर द लव. यू सेड इतने लाइन्स देते हो ऑन इंस्टाग्राम लाइव, देन इट मीन्स स्क्रिप्टेड ओनली. यार वीडियो में लाइंस नहीं होती, वीडियो में नैरेटिव होता है, क्योंकि हमको याद नहीं होता. अब मान लो मैं कर रही हूँ 40 दिन के बाद शूट, तो मुझे नहीं याद है पहले एपिसोड में क्या हुआ है. तो वो बताते हैं ऐसे ऐसे एपिसोड में ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ, वो होती चीजें. लाइंस नहीं मिलती. नायरा कीप शाइनिंग लाइक अ स्टार ऑलवेज. थैंक यू. यू नो वॉट यू वर ऑलवेज माई फेवरेट सिंस आई सॉ यू इन जोड़ीज. आई हैव सीन योर बिहेवियर एंड योर रियली ग्रेट एंड हैप्पी सोल. थैंक यू. आर यू आई एम नॉट इन टच गाइज. आई एम नॉट इन टच. वी डोंट फॉलो इच अदर. सचिन गोना पैच अप विद होम? लेट्स सी. आई जस्ट वॉच द शो. आई लव द कनेक्शन बिटवीन यू एंड अरबाज. थैंक यू. वन वर्ड फॉर दिग्विजय, गुड ओल्ड फ्रेंड. यू एंड डिकी नेवर शाइनिंग टूडे. थैंक यू. यू आर लुकिंग अ बिट डिफरेंट देन बिफोर बिकॉज मैंने ऐसे बाल बना रखे बच्चों जैसे. इशिता स्टॉप इट. तुम लोगों को पता है क्या ऑनलाइन स्पिरिचुअल होता है? एंड मैं खेल रहा हूँ. है हाय हेल एक्स. हेलो दिग्विजय से पैचअप कर लो यार. वही हम हमें आपके सबसे अच्छा दोस्त लगता है दिग्विजय. फैन क्लब पैचअप तब होगा ना जब सामने वाला अपोलोजाइज करेगा अपनी गलती के लिए. सामने वाला एक्नॉलेज करेगा. उसको फर्क भी नहीं पड़ा कि मैंने उसको अनफॉलो कर दिया. उसको फर्क भी नहीं पड़ा, मुझे बुरा लगा. और शो में भी उसने ऐसे ही किया. तो मैं नहीं कुछ करना चाहती यार. मैं मेरे दिल में ना सचिन और दिग्विजय के लिए बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा. मतलब मैं तुम लोग को बता नहीं सकती. मैं ना जब दोस्ती करती हूँ ना तो मैं बहुत दिल से करती हूँ. और जब मेरे दोस्त वो चीज नहीं करते ना, मुझे बहुत हर्ट होता है. और सचिन और दिग्विजय के लिए मेरे अंदर इतना ज्यादा प्यार था ना शो में, इतना ज्यादा कि मैं शायद मतलब कुछ
कुछ भी कर देती हूँ लोगों के लिए, किसी से भी लड़ जाती, कुछ भी कर लेती, बट मुझे वो लव, मुझे वो सपोर्ट उन दोनों से नहीं मिला शो के अंदर. आप देख लो मेरी हर लड़ाई में मैं अकेली लड़ रही हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए मैं हमेशा खड़ी हूँ. मुझे कोई जरूरत नहीं थी लास्ट एपिसोड में डील करने के लिए, चले जाता दिग्विजय, चला जाता सचिन, क्या फर्क पड़ रहा है. बट आई मेड श्योर कि नहीं, मेरे दोस्त सेफ रहे. मैं हमेशा अपने दोस्तों के लिए खड़ी हूँ, बट मेरे लिए कभी कोई नहीं खड़ा है. कोर्ट रूम में भी कोई नहीं खड़ा था, कोर्ट रूम के नेक्स्ट डे सुबह जब लड़ाई हुई तब भी कोई नहीं खड़ा था. लेकिन जब मैं सेफ रहती हूँ तो मुझसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि मेरे लिए लड़, मेरे लिए सब कुछ कर. तो वो मुझे चीज खराब लगती है यार, वो चीज सही नहीं है. अगर आप मेरे दोस्त हो ना तो दोस्त एक साइड से नहीं होती. शिविर ने स्पॉइलर दिया था क्या, आप हमेशा स्माइल करते रहो. यस, वन वर्ड फॉर डिकी एंड लक्ष्य प्लीज रिप्लाई. दोनों ही प्यारे हैं यार, सब बढ़िया है शो में भाई, सब बहुत प्यारे हैं. सबको प्यार दो, सबको एकदम सपोर्ट करो. यस, आई कैन सी हाउ यू केयर अबाउट देम. नायरा, व्हाट आई हैव लर्नड इन माय फ्रेंडशिप, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन बिकॉज एट द एंड इट विल हर्ट यू ओनली. सी, ये सब बोलना अच्छा लगता है, बोलना बहुत ईजी है, बट इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मतलब डिफिकल्ट है भाई. इट्स लाइक आप जब फ्रेंडशिप करते हो ना तो यू वॉन्ट योर फ्रेंड्स टू बी देयर फॉर यू. और ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं ना मैं डरती नहीं हूँ. मैं अपनी लड़ाइयाँ अकेले लड़ती हूँ. मैंने कभी नहीं बोला मेरा सपोर्ट करो, कुछ भी करो, लेकिन देख के बुरा लगता है कि आप बायस्ड हो जाते हो कहीं ना कहीं. इवन दिग्विजय सचिन के लिए भी लड़ा और जिसके लिए उसने लड़ना चाहिए तो उसके लिए नहीं लड़ा. दैट्स व्हाट मैं यही तो बोल रही हूँ. और मुझे यार दिग्विजय फैन क्लब, अगर आप यहाँ पे हो, अगर आप सुन रहे हो, मैं अभी भी ना मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ दिग्विजय और सचिन दोनों की. मैं अभी भी दोनों को उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैंने शो में किया है. लेकिन बस मैं अब डिस्टेंस मैंने कर लिया है कि मेरे को हर्ट होगा यार आगे जाके. मेरे को बहुत हर्ट हो रहा है. मेरे को दिग्विजय ने तो बहुत हर्ट किया है शो के अंदर भी और शो के बाहर भी. चलो यार दिग्विजय भैया को बोलता हूँ आपके साथ लाइव आए, फिर उनके साथ सब सॉर्ट कर लेना. उससे मुझे एक अपॉलोजी चाहिए थी शो के अंदर भी, उसने मुझे शो के अंदर भी नहीं दी, शो के बाहर भी नहीं दी, और उसने दूसरा और कांड कर लिया. ये तो मतलब मेरे को ना, मेरा बहुत दिल टूट चुका है अभी. मैं मत बोलो उसको भी सॉर्ट आउट करने को. ऑनेस्टली मैं दूर ही ठीक हूँ. मैं जितना लोगों को प्यार करती हूँ, मैं जितना कुछ करती हूँ, मेरे को लोग उतना ही तकलीफ देते हैं. नो नीड टू लिसन एनी वन. इफ यू आर हर्ट इन फ्रेंडशिप देन बी लाइक हाउ यू आर. आई हैव सीन यू आर ऑलवेज राइट एंड द फ्रेंडशिप इज ऑलवेज गुड, बट इफ दे नेवर स्टैंड फॉर यू थ्रो देम. थ्रो जैसा तो नहीं, बट मतलब कभी भी अगर मुझे दिग्विजय सचिन का कॉल भी आएगा, कभी भी किसी भी हेल्प के लिए आई विल ऑलवेज बी देयर. बट मैं अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं करना चाहती. छोटी देवी यार, अब अगर भी परफॉर्म अच्छा करेगा तो ताली तो बजाएंगे ना, उसमें क्या गलत बात है. आई थॉट यू एंड केला गुड फ्रेंड्स एट फर्स्ट. वी आर अमेहा हिट यू नायरा, आई एम वेरी एंग्री दैट टाइम. पता नहीं उसने क्यों मारा, बट इट्स ओके. नायरा, आर यू इन टच विद योर ऑनलाइन बेस्ट फ्रेंड? नो यार सौम्या, आई थिंक वी हैव बीन सेपरेटेड फॉर गुड. आई लव हिम अ लॉट, आई स्टिल अडोर हिम अ लॉट, बट आई थिंक इट्स गुड. यू नो कभी कभी पता है क्या होता है कि आप अगर किसी से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हो, दोस्ती हो चाहे रिलेशनशिप हो चाहे जो भी हो, कभी कभी ना लोग आपके लिए सही नहीं होते और आपको वो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए अपनी पीस के लिए. चलो गाइस, आई विल टेक अ लीव नाउ, 11:30 बज गई है. मैंने सोचा बस हाय हेलो कर दूं. आपसे मिलते हैं कल. कल मैं डेट पे जा रही हूँ एपिसोड में. तो गाइस बस मैं यही बोलूंगी, आई नो बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं अरबाज को लेके, बहुत सारी चीजें हैं जो आई डोंट नो कितनी सच है कितनी झूठ है. मैं बहुत सी चीजों के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, और ना ही मैं कोई भी हेट्रेड या ना ही मैं कोई भी एक नैरेटिव सेट करना चाहती हूँ किसी के लिए भी. तो ये सब आपके हाथ में, आप जो जजमेंट दें, आप जो सोचें. बस मैं यही बोलूंगी कि जो आप एपिसोड देखो और जो मेरे और अरबाज की बॉन्डिंग देखो, वो प्लीज सारे अजम्पशन सारे रूमर्स को हटा के देखना, क्योंकि मेरी साइड से जो है बहुत जेन्युइन है. जैसा भी है, अगर मुझे कोई पसंद है तो मैं मुंह पर बोलती हूँ, मुझे नहीं पसंद है मैं मुंह पर बोलती हूँ. कुछ भी नैरेटिव सेट करके मत एपिसोड देखना कि नहीं ये तो हमने ये सुना है इसके बारे में, तो वो सुना है. शो एंजॉय करो, मेरे लिए देखो, मेरे लिए वो बॉन्डिंग देखो, मेरे लिए देखो कि मैं कितनी जेन्युइन हूँ, मैं अपना दिल अपना दिमाग कैसे यूज कर रही हूँ. मेरे लिए वो बॉन्ड देखो बस, और कुछ नहीं.